हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 के चलते आप सभी की स्कूल बंद हैं, शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली होंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन घर पर रहकर अच्छे से कर सकें, इसलिए आप सभी की भारी डिमांड पर ये वीडियो मैं लेके आया हूं। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, क्लास 10th के ई सेक्शन वाले, जो आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 2 में से बनने वाले हैं। तो 15 के करीब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आया हूं, जो 18 नंबर का पूरा पोर्शन होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी इनको याद करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब चैप्टर नंबर 2 में से मैंने आपको बता रखा है कि एक डायग्राम तो फिक्स है, 2-3 नंबर का एक डायग्राम आएगा ही आएगा। तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है, इसी के अंदर आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य लिखने हैं। तो इसके अंदर तो आपको डायग्राम बनाना है, इसके अंदर आपको एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, आहार नाल जो है, उसके कार्य लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि इस बार सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है वो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो उसी में से पहला क्वेश्चन है, रक्त को परिभाषित करें तथा रक्त के कार्य लिखें। अब रक्त के कार्य आप सभी को पता है, रक्त क्या होता है, हल्का क्षारीय तरल संयोजी ऊतक होता है, आप सभी को पता है। और रक्त परिसंचरण में रक्त वाहिनियों की भूमिका बतानी है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव नर जनन तंत्र के द्वितीयक लैंगिक अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सभी लोग कमेंट में आंसर करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नर जनन तंत्र के द्वितीयक लैंगिक अंगों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, नर की प्रोटेस्ट ग्रंथि निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर जो होते हैं, मेल जो होते हैं, उनकी प्रोटेस्ट ग्रंथि अगर निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फर्स्ट है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार हार्ट का डायग्राम आने के पूरे पूरे चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इसी का ही, रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि को समझाइए कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसको आपको पूरी वर्किंग प्रोसेस को समझाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारों के 2-2 उदाहरण लिखिए। आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के 2-2 उदाहरण लिखने हैं। आप सभी को पता है प्रबल अम्ल क्या है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। प्रबल क्षार क्या है, NaOH है, KOH है, ये प्रबल क्षार होते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, क्षार का आरएनएस सिद्धांत दीजिए, मतलब आरएनएस की जो संकल्पना है उसमें अम्ल की भी है, उसमें क्षार की भी है, तो आपको अम्ल और क्षार, तो इसमें क्षार की पूछा है, तो क्षार का ही आपको यहाँ पर सिद्धांत लिखना है। बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट, क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपकी सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही आप डाउट नट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी, जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउट नट ऐप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिस्टलन जल से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। क्रिस्टलन जल आपको पता है जो लवण होते हैं, जैसे K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, ये फिटकर ही है, और इसमें जो 24H2O है, जो यहाँ पर जल के अणु है 24, ये क्रिस्टलन जल होते हैं, आप सभी को पता है, और इसके एग्जांपल भी देने हैं। दही को धातु के पात्र में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दही क्या होता है, इसमें एसिड होता है, और एसिड को, अम्ल को हम किसी धातु के पात्र में नहीं रखते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन जाती है, आप सभी को पता है, इसीलिए हम किसी धातु के बर्तन में नींबू पानी भी नहीं बनाते हैं। और अम्ल में क्या होगा, मतलब दही में क्या होगा, अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि अगर मैं बात करूं विरंजक चूर्ण को हवा में रखने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आप सभी को पता है CaOCl2 इसका अणुसूत्र होता है, और क्लोरीन गैस इसमें क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन इसी का, अग्निशमक के रूप में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्षारों का लुईस सिद्धांत क्या होगा। अब यहां पर पूछा था कि आरएनएस का क्षार का सिद्धांत, और यहां पर पूछ लिया क्षारों का लुईस सिद्धांत। 3 साइंटिस्ट थे, आरएनएस, ब्रॉन्टेस्लोरी और आपका लुईस,
तो यहां पर लुईस का सिद्धांत बताना है। अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर, जल तथा HCl का संयुग्मी क्षार क्या होगा, जल तथा HCl का संयुग्मी क्षार क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने के लिए कौन सा यौगिक काम में लेते हैं। आप सभी को बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, साबुन तथा अपमार्जक में से कौन सा पर्यावरण के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है और क्यों। अपमार्जक करता है क्योंकि वो केमिकल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करें, उदाहरण दें। इस बार ऑक्सीकरण अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे पूरे चांस है। इसी का अगला क्वेश्चन है, अपचयन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। आप सभी को बताया कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। अपचयन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अम्ल का ब्रोंटेस क्लोरी सिद्धांत को समझाना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आरेनियस, लुईस और ब्रोंटेस क्लोरी, ठीक है ना। साबुन का अणुसूत्र लिखना है, RCWNA हो जाएगा, R की जगह आप C17H35 ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक, ये जो फॉर्मूला दे रखा है अपमार्जक का, द्वारा मिसेल निर्माण का चित्र बनाइए, तो आपको मिसेल निर्माण का चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन, स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं, अभिक्रिया दीजिए। उत्प्रेरक से एक क्वेश्चन आता ही आता है चैप्टर नंबर 6 में से, तो स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं, अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, मंद तथा तीव्र अभिक्रिया को समझाइए। इस बार पूरे पूरे चांस है आने के, मंद तथा तीव्र अभिक्रिया को समझाइए, परिभाषित कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझाइए। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसे में बहुत ज्यादा वीडियो बना चुका हूं, पहले ही मैंने सेक्शन ई के, सेक्शन बी के, ए के, सी के, सभी सेक्शन के मैंने 20-20, 30-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ये 15 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं और ऐसी पढ़ाई की वीडियो आप सभी के सामने ला सकूं। काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर टेस्ट लो, सर टेस्ट चालू करो, तो मैं ऐसे ही टेस्ट चालू कर दूंगा अगर आप इसको शेयर करेंगे ज्यादा और लाइक करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।